खबर अयोध्या से है, जहां रामनगरी अयोध्या में शुरू होने वाले रामनवमी मेला को लेकर तैयारी की जा रही है, जिसकी समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच रहे हैं। लेकिन इसके पहले अयोध्या की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल राम जन्मभूमि के येलो जोन के पास हनुमानगढ़ी के पास सुरक्षा में तैनात सिपाही अपने सरकारी हथियार के साथ ही नशे की हालत में मिले, जिसकी सूचना मिलते ही अधिकारियों ने उसे अयोध्या के श्रीराम अस्पताल में भर्ती कराया है। सीएम योगी के आने से पहले अयोध्या में सुरक्षा में बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां नशे की हालत में हथियार के साथ सिपाही का वीडियो वायरल हो रहा है। अयोध्या बेहद संवेदनशील नगरी मानी जाती है। इस वर्ष होने वाले रामनवमी मेले में कई लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं इस तैयारी को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त कर दी गई है। लेकिन इसी बीच नशेड़ी सिपाही के वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो सुरक्षा के नाम पर सिर्फ अयोध्या में सिर्फ बंदिशें होती हैं, वहीं प्रशासनिक कार्रवाई पर भी आरोप लग रहे हैं। वहीं वायरल हुए नशेड़ी सिपाही की वीडियो के बाद अधिकारियों ने इस मामले को संज्ञान में लिया और उसे तत्काल अयोध्या के श्रीराम अस्पताल में भर्ती कराया है। सिपाही अयोध्या के येलो जोन में तैनात है, वहीं इस घटना को लेकर जल्द ही अधिकारी कार्रवाई भी कर सकते हैं, लेकिन इस बारे में अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है भैया? गर्मी बढ़ गई है ना, गर्मी बढ़ गई। चलो चलो खाना चलो चलो सामान है साहब, इनके सामान। नाम क्या है? क्या नाम है तुम्हारा? क्या सामान? अरे नाम भाई क्या है? जानिए तो है। क्या नाम है?